हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज हम लोग देखें 1.2। इसमें आपका ट्रू एंड फॉल्स बताना है बेटा, ठीक है, और जस्टिफाई योर आंसर। अब आप देखिए, एवरी रेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर। अब आप देखिए, एवरी इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर्स। तो कंसिडर द इरेशनल नंबर्स एंड द रेशनल नंबर्स सेपरेटली, ठीक है। वी नो दैट द इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू डज नॉट जीरो, ठीक है। दी नो दैट ए रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्योंकि ये बेटा आप ध्यान में रखो कि रियल नंबर्स आपका रेशनल इरेशनल नंबर होल नंबर इंटीजर इन सबसे मेजर है, ठीक है। तो सारे आपके चाहे इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर रेशनल नंबर हो, या होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। अब आप देखिए, कंसिडर ए नंबर लाइन, वी नो दैट ऑन ए नंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर। वी नो दैट वी कैन नॉट गेट ए निगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर नंबर। अब आप देखिए, किसी भी नंबर लाइन्स में अगर अंडर रूट एम है, ठीक है, तो उसमें आपके नंबर लाइन्स में इंटीजर भी हैं और इंटीजर आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो उनका स्क्वायर रूट्स आपका क्या हो जाता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है बेटा, यानी नॉट रियल नंबर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट नॉट एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, ठीक है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब सारे आपके रियल नंबर्स इरेशनल नंबर, तो आप ये बेटा जानते हो कि रियल नंबर्स ग्रेटर देन इरेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब आइए आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर टू, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप बेटा देखो आंसर, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल नॉट एलिट एन इंटीजर, ठीक है। तो वी नो दैट अंडर रूट फोर इज टू, ठीक है, विच इज एन इंटीजर, बट अंडर रूट सेवन, अंडर रूट टेन, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट टेन विल गिव एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये आप देखिए बेटा, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालोगे आप, ये पॉजिटिव नंबर्स और ये आपके इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अंडर रूट फोर हुआ, अंडर रूट नाइन हुआ, अंडर रूट सिक्सटीन हुआ, ठीक है। अब ये बट अंडर रूट सेवन, अंडर रूट टेन या अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, ये आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, सो हाउ अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब आप बेटा देखो, अंडर रूट फाइव को कैसे, अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर लाइंस बेटा एक हमने ये ड्रा कर लिया, ठीक है, जिस पर आपका ये मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है,
ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस हमने ले लिया और यहाँ 90 डिग्री पर ये 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा किया जो BC हुआ और C और A को मिला दिया तो ये AC की लेंथ ही अंडर रूट 5 को ये डिनोट करती है। अब ये O और C का रेडियस लेकर के एक हमने आर्क लगाया जो पॉइंट D पर कट करता है और ये पॉइंट आपके नंबर लाइंस पर अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमें सॉल्व करना है। आइए अब देखते हैं, ये आपको ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्लासरूम एक्टिविटी। ठीक है, ये आप जो है स्क्वायर रूट स्पाइरल आप इनको बनाना है। इसको कैसे करेंगे आप देखिए, किसी का जैसे मान लीजिए ये आपने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की, इस पर 90 डिग्री का, फिर आपका 1 सेंटीमीटर की लाइन ये ड्रा किया, ठीक है, आर्क मिलाया, इसको ओ पी ये हमने कर लिया, ठीक है, इसको ज्वाइंट कर लिया, ये अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है बेटा, अब इस पर फिर 90 डिग्री का ये एंगल बनाओगे। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन ये हमने ड्रा किया फिर इधर, तो इसको पी थ्री ओ को हम मिला दें तो ये अंडर रूट 3 हो गया। ऐसे कॉन्टीन्यूस बेटा, अगर यहाँ फिर अब इस पर 90 डिग्री का बनाएंगे और यहाँ से 1 ये आप जो है क्या 1 सेंटीमीटर यूनिट की लेंथ कट करेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये अंडर रूट 4 होगा यानी 2। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टीन्यूस अगर बनाते रहते हैं बेटा तो एक जो है स्पाइरल रूट बन जाता है, ये एक्टिविटी है। ठीक है, आप अपने एक जो है आर्ट शीट लेकर के उस पर आप इन इसको बनाओगे। ठीक है, अब आप देखिए बेटा ये रियल नंबर्स एंड दियर डिसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो दी डिसिमल एक्सपेंशंस ऑफ ए रैशनल नंबर्स इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, यानी आपका डिसिमल एक्सप्रेशन नंबर या तो टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट नहीं है, ठीक है, तो वो नॉन रिपीटिंग होगा यानी नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल आप देखिए 7/8, 7/8 को ये हम डिसिमल में रिप्रेजेंट करें तो ये आप देख रहे हो कि 0.875 ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेट। ठीक है, ऐसे इसमें आप देखिए सभी ये नंबर्स आपके क्या हो गए, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं टर्मिनेट। ठीक है, अब आप देखिए 1/3, 1/7, अब 1/3 को यानी 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बार बार 0.3333 एंड सो ऑन आ जाएगा, तो इस 0.333 को ये हम लोग ये क्या लिख देते हैं, 0.3 डैश। ठीक है, ऐसे 1/7 को आप देखिए 1 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आप देखो 1 4 2 8 5 7 फिर 1 से स्टार्ट हुआ यानी ये रिपीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इसके ऊपर हम जो है आप कितने जितने डिजिट ये रिपीट कर रहे हैं उन पर एक बार लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर्स आपके डिसिमल में हैं बट नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ये बट रिपीटिंग है, रिकरिंग है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए ऐसे द डिसिमल एक्सपेंशंस ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। अब आपके डिसिमल में कोई नंबर्स अगर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब आप देखिए जैसे एक नंबर ये है 0.101, फिर 10111, फिर 0111, ऐसे कॉन्टीन्यूस अगर हम ये चलें तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। जैसे अंडर रूट 2 है, अब ये आपका नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो रहा, कॉन्टीन्यूस जा रहा, ये भी आपका इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू आप देखिए इसे कॉन्टीन्यूस ये आप इसको निकालते रहते हैं तो ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर। और इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे सभी इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इन डिसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डिसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज।
अब आप देखिए जैसे 36 बाई 100, तो 36 को 100 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हो कि ये पॉइंट 0.36 आ गया, तो यानी ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। ऐसे आप देखो बेटा, ये सेकंड है 1/11, 1/11, 1 को 11 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करते ही ये कंटिन्यू ये चल रहे हैं, ये हमेशा बार बार रिमाइंडर आ रहा, यानी आप देख रहे हो कि 0.0909 ये कंटिन्यू आ रहा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी रिकरिंग है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग 0.09 ये डैश लिख देते हैं। अब आप देखिए 4 whole 1/8, ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 8 4 32 + 1 यानी 33/8, अब 33 को 8 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डिसमल के बाद ये जो है आपका 4.125 ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेट डिसमल है, ठीक है बेटा। ऐसे 3/13 को, अब आप 3/13 को ये डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसके कॉन्टीन्यूअस ये आप ऐसे रिपीटिंग होंगे, देखिए 0.230769, ठीक है, तो ये आपका नंबर क्या हुआ, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये आपका डिसमल एक्सप्रेशंस में हुआ, ठीक है। 2/11 इसी तरीके से आप देखो, ठीक है, कंटिन्यूअस ये आपका नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है बेटा, तो इसको तुम लोग खुद करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, 329/400। अब आप देखिए बेटा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये आप देख रहे हो कट जाएगा, ठीक है। तो जब कट गया तो इसके मतलब ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 329/400 ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करने के बाद नंबर मिल रहा है 0.225, ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है बेटा। तो आप डिवाइड जानते हो, इसलिए हमने डिवाइड का एक्सप्रेशन एक्सप्लेन नहीं किया है, आप इनको ठीक से डिवाइड करते हुए आप अपना आंसर दोगे। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।